हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रोशिए से ये सुंदर सा फूल, जो कि बहुत ही आसानी और जल्दी से बन जाता है। आप इसको बच्चों के स्वेटर में, टोपी में, टेबल मैट में, किसी में भी लगा सकते हैं और बहुत ही थोड़ी ऊन से बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया ये 3-ply ऑरेंज और पीले कलर की ऊन। क्रोशिया हुक है 1.75 mm का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और 5 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। और पहली चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये पहले चैन में क्रोशिया हुक लेके स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और धागे को यहीं कट कर देते हैं। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3 और 3 ट्रिपल क्रोशिया। धागे को इस तरह से 2 बार फोल्ड करेंगे। एक चैन हमारी पहले थी, एक स्टिच। अब 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन। फिर 3 चैन बनाएंगे और इसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर जो अगली चैन दिख रही, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और फिर से 3 चैन बनाएंगे। यहाँ पे हमारी पहली पंखुड़ी तैयार है, अभी दूसरी बनाएंगे। फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये पहला हुआ, एक, दो, तीन। 3 चैन, 1, 2, 3 और इसी सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह ये हमारे 9 सिंगल क्रोशिया है, तो हमारी ये 9 पंखुड़ी बनेंगी। अब अगली चैन में लेके स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, फिर से 3 चैन बनाएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया। 1, 2, 3। फिर से एक बार और, 1, 2, 3। ये दूसरी हुई और लास्ट में तीसरी। फिर 3 चैन बनाएंगे, 2, 3 और
सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह हमें आगे बनाते हुए जाना है। अब अगली चैन में स्लिप स्टिच से फिर जोड़ेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे और तीन ट्रिपल क्रोशिया। एक, दो, तीन। इसके बाद तीन चैन और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह हमारे यहाँ जितने सिंगल क्रोशिया हैं सब में बनाते हुए जाना है। अभी हमारी लास्ट पंखुड़ी है, तो फिर इसके बाद यहाँ से फिर तीन चैन, तीन ट्रिपल क्रोशिया, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी। तीन चैन और यहाँ स्लिप स्टिच से सेम स्टिच में जोड़ देंगे। और ये धागे को बैक साइड से स्लिप स्टिच करके जोड़ के धागा कट कर देते हैं। अभी पीछे से इस तरीके से इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसकी पंखुड़ी खोल देंगे तो ये इसका शेप अच्छा आएगा। धागे को इस तरह सुई पे लेके पीछे से लेते हुए बंद कर देंगे। धागे कट कर देंगे, ये वाला भी धागा कट कर देंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन गया फूल।